केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने के फैसले का आमजन ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि प्रति लीटर पेट्रोल की दर में करीब 9 रुपए और डीजल की दर में 7 रुपए की कमी के बाद बढ़ती महंगाई पर लगाम लगेगी। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलने पर खुशी भी जताई है। लाभार्थियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महंगाई से राहत देने की दिशा में आमजन के हित में फैसले ले रही है। सर, मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने हम पे बहुत मेहरबानी की कि पेट्रोल इतना महंगा था वो बहुत सस्ता हो गया, 108 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ है। और रसोई के ऊपर भी उन्होंने बहुत मेहरबानी की है, इतनी महंगी रसोई हो गई थी, हमारा सारा बजट बिगड़ चुका था, लेकिन उनकी इतनी मेहरबानी हुई कि उन्होंने रसोई में भी 200 रुपये की हमसे सब्सिडी दी, उनके लिए हम दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। जी, हम मोदी सरकार को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने आम जनता पर मतलब वो मेहरबानी करी, और जो अब पेट्रोल अब थोड़ा मतलब बढ़ रहा था, मतलब उसके दाम कम हो गए पहले से, तो इससे आम जनता को राहत मिली है। पहले पेट्रोल 118 था, आज 108 का भरवाया है, तो मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद।